जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। यहाँ पर देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और इससे पहले आपके लिए हम बता दें कि सेल्फ स्टडी क्लासेस लेकर आया है आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काव्यधारा की कवि हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। किस काव्यधारा की कवि माने जाते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दो में, कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कब हुआ। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर दो का विकल्प नंबर एक, यानी कि 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? भयाना, भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश, MP में इनका जो है जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चार पूछा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य माना जाता है रश्मि रेखा, कुमकुम या अपलक या क्वासी। तो इनका प्रथम काव्य पूछा है, तो इनका प्रथम काव्य जो माना जाता है वह कुमकुम माना जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कुमकुम काव्य कब का प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर बताइए। कुमकुम काव्य कब प्रकाशित हुआ, तो आपका क्वेश्चन नंबर पाँच का जो राइट आंसर है वह आपका राइट आंसर 1939 ईस्वी में, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर छः पूछा, बालकृष्ण शर्मा ने उर्मिला काव्य की रचना कब की थी। उर्मिला काव्य की रचना इन्होंने कब की थी ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर छः है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और बालकृष्ण शर्मा ने उर्मिला काव्य की जो रचना की थी 1934 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर सात है, उर्मिला काव्य कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन नंबर सात का आंसर बताइए। उर्मिला काव्य कब प्रकाशित हुआ, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात, और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी, यानी कि 1975 ईस्वी आपका राइट आंसर है, 1975। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना किस विधा की है, कहानी है, निबंध है, कविता है या उपन्यास है। प्रथम रचना पूछा है इनकी किस विधा की है, तो आपका राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना जो है ये कहानी विधा की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर एक सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नौ है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम कहानी संतु किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हंस में, सरस्वती, विशाल भारत या इंदु। तो वह पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी वह पत्रिका थी जिसमें इनकी प्रथम कहानी जो संतु है वह प्रकाशित हुई थी। सरस्वती आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। हिंदी साहित्य में कौन कवि स्वच्छंद प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रीधर पाठक हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं या नागार्जुन हैं। जो वह कौन हैं जो कवि स्वच्छंद प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसके साथ प्रताप पत्रिका का संपादन किया था, तो प्रताप पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किसके साथ ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, क्या राइट आंसर? गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से किस पत्रिका का संपादन किया था, कानपुर से इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उस पत्रिका का नाम बताना है, प्रभा, निकस या फिर कर्मवीर या बालक। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 12 है, और 12 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर एक, यानी कि प्रभा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया था, तो पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन को, कब नवाजा गया था इस पुरस्कार से, तो आपका यहां पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर सी, यानी कि 1960 को, 1960 ईस्वी में। इनमें से कौन सी पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है और विकल्प आपके वहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, पेट पीठ दोनों मिलकर एक
चल रहा है लटुकिया टेक, ये जो है ये पंक्ति नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो विकल्प नंबर एक है वह आपका सही आंसर होगा, ये पंक्ति इनकी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है। काव्य बताना है आपके लिए भाई, कौन सा काव्य है जो बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है और आपका सही आंसर है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। रश्मि रेखा काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है 1958 है, 1951, 1954, 1952। तो आपका सही आंसर है रश्मि रेखा काव्य का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1951, यानी कि विकल्प नंबर आपका ई जो है, विकल्प नंबर आपका सी जो है वह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में दिया गया है। वह विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है, वह कौन सा विकल्प होगा जिनमें इनके यहाँ पर काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके काव्यों का जो है सही अनुक्रम होगा। तो वह विकल्प विकल्प नंबर बी कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी, ये जो है आपका विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य क्वासी का प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वासी का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, 1958, 1951, 1954, 1952। तो क्वासी का प्रकाशन वर्ष बताना है तो 1952, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर, सॉरी डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर पूछा है बालकृष्ण शर्मा नवीन भारतीय संसद के सदस्य किस वर्ष में रही थी। भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, किस वर्ष में रहे हैं। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर डी, यानी कि 1952 ईस्वी में बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा पत्रिका का संपादन कब किया था। तो प्रभा पत्रिका जो थी इसका संपादन किया था इन्होंने कब किया था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1921-23 में, जो है 1921-23 ईस्वी के बीच जो है इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन कब हुआ, इनका निधन बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, 1960 आपका यहाँ पर सही, 1961 आपका राइट आंसर है, कहीं कहीं 1960 भी मिलता है, 1961 आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनका जो है 1961 ईस्वी में निधन हो गया था बालकृष्ण शर्मा नवीन का। 1897 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भयाना, जो यहाँ पर भयाना में इनका जो है जन्म हुआ था। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र आपका जो है 1000 रुपए में पूरा उपलब्ध है। तो यहां पर आप संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। और इसी के साथ आपके लिए यहां पर टेस्ट सीरीज भी है, और यहां पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो उससे भी अवश्य जुड़ें। तो इस प्रकार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी लग जाए। सरसा पब्लिकेशन का भी माला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ईबुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।